जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम किरणदीप कौर है, मैं रिपब्लिक हाई स्कूल की विद्यार्थन हाँ। अज मैं तुहाडे सामने पेश करांगी भाई साहब भाई तारू सिंह जी के जीवन बारे, जिन्हां दी साडी सिख कौम विच बहुत वड्डी मिसाल है। भाई साहब भाई तारू सिंह जी का जन्म 6 अक्टूबर 1720 ईस्वी को पिंड पहुला पिता जोत सिंह अते माता धर्म कौर जी के घर होया। उन्हां दी एक छोटी भैन सी जिसका नाम माता तार कौर सी। सब तो पहला असीं गल करांगे भाई साहब भाई तारू सिंह जी की गिरफ्तारी बारे। हर एक हर भगत नरंजनिया होया है जो कि बाबा हंदयाल विचों सन। इन्हां उत्ते गुरु अमरदास जी और गुरु रामदास जी दीआं बहुत मेहरां सन। ये सिखां नूं पकड़ पकड़ के मरवाउंदा सी जो कि सरकार दा भगत सी। हर भगत नरंजनिया जकरिया खान कोल लाहौर पुज्जा, उत्थे सिखां दी गल चल रही सी। जकरिया खान ने कहा, ना मैं इन्हां नूं कुछ खाण नूं छड्डिया है, ना जमीनां छड्डियां हन, फिर भी ये अजे तक मरे ने, खपे ने, खत्म नहीं होए। हर भगत नरंजनिया ने कहा, तू उन्हां दी गल करदा है जिहड़े जंगलां विच हन, पर तैनूं पता नहीं कुछ अजिहे सिंह भी हन जिहड़े पिंडां विच रह के उन्हां दी मदद करदे हन। कहिंदा ओह किवें? कहिंदा ओह उन्हां दा प्यार है। कहिंदा प्यार कहिंदे आ? कहिंदा ओह आप कुछ खांदे नहीं, कुछ पीते नहीं, पर अपने मूल विचों बुरकियां कढ के उन्हां नूं पहुँचाउंदे हन, मूँह दीआं बुरकियां उन्हां नूं पहुँचाउंदे हन। कहिंदा आप सहे वो नंगे अर भुख, देख ना सके सिंगन दुख। कहिंदा आप वो भुखे रहिंदे हन, नंगे रहिंदे हन, लीरां लपेट के अपना गुजारा करदे हन। अते जेकर कोई मोटा कपड़ा मिल जांदा है तां कहिंदे ने, माई मां एक कपड़ा संभाल के रख लै, जंगल विच किसे जुझारू बजुर्ग नूं दे आवांगे। कहिंदा आप वो कुछ खांदे पीते नहीं, पर अपने मूँह दीआं बुरकियां जंगल विच बैठे उन्हां जुझारू सिंघां नूं जो देश की आजादी लई लड़ रहे हन उन्हां नूं पहुँचाउंदे हन। जकरिया खान नूं बहुत गुस्सा आया। हुण असीं गल करांगे भाई तारू सिंह जी की शुरुआत किवें हुंदी है। भाई तारू सिंह जी की माँ गुरबाणी विच बहुत रती सी, उसने बाणी दीआं लोरियां दे के भाई साहिब भाई तारू सिंह जी नूं पालिया सी। कुछ समा बीतिया, भाई तारू सिंह जी के मन विच ख्याल आया। उन्होंने कहा, माँ मेरे दिल विच ख्याल आया है कि आप हर रोज़ प्रशादा पकाने हाँ, खाने हाँ, जो सियाल आता है तो सानू मोटे कपड़े लिया के दिने हाँ, गर्मियों विच पतले कपड़े लियाने हाँ। मेरा ख्याल आया है कि आज जेड़े भड़ोली विच दाने पए हैं तू इन्हों का पीन करके पी, दाल दी हांडी रख, तू दस मेरी माँ अपने घर विच जो कुछ भी है, जंगल विच जोड़े जुझारू सिंह बैठे हैं साढ़े देश की आज़ादी लई, उन्होंने की है? आप उन्होंने ये सब कुछ दे के आईए। माँ पहला ही गुरसिखी वा जीवन वाली सी, गुरबाणी विच रती सी। वह बहुत खुश हुई। उसने कहा, पुत्र तेरे अंदर एक चंगा ख्याल पैदा होया है, तुसी कल तो उन्हां दी सेवा करनी शुरू कर देवो। इस तरह भाई तारू सिंह जी हर रोज़ उन्हां दी सेवा करनी शुरू कर दिती। हौली हौली तवे तो लोर दा रूप धारण कर लिया। कहन तो मुराद है कि होर भी बहुत सारे लोग भाई तारू सिंह जी दी नाल मदद करन लग गए। उधर हर भगत नरंजनिया जकरिया खान नूं दस रहा है कि इवें भाई तारू सिंह वर्गे भी लोग हैं जो आप मुढ़ बाल के सेकते हैं, पर उन्हां नूं अपने मोटे कपड़े दे आउंदे हन। भाई ता जकरिया खान नूं बहुत गुस्सा आया। उसने भाई तारू सिंह नूं गिरफ़्तार करन दे हुक्म जारी कर दिते। भाई तारू सिंह जी नूं गिरफ़्तार करन लई कुछ सिंह आए। उन्होंने कहा, भाई तारू सिंह कित्थे है? माता गुरसिखी भावना वाली सी। उसने कहा, पुत्र तुसी एक सिख दे घर आए हो, बैठो, तुसी दसो, तुसी चाह पियोगे, प्रशादा ही लैवां। तां जिहड़े इन्ना गरज के बोल रहे सन वह धीमी आवाज विच आ गए अते उन्होंने कहा, माँ असीं भाई तारू सिंह जी नूं गिरफ़्तार करन आए हाँ। तां माता ने कहा, मेरे पुत्र दा कसूर की है? कहिंदे आ जिहड़ियां लोहां तप रही हन, भट्ठियां बल रही हन, यह हुकूमत नूं मंजूर नहीं। तुसी इन्हां उत्ते लंगर पका के जंगलों में बैठे उन्हां सिंघां नूं पहुँचाउंदे हन जो कि हुकूमत नूं मंजूर नहीं, इसलिए भाई तारू सिंह जी नूं गिरफ़्तार करन दे वरंट जारी होए हन अते असीं उन्हां नूं गिरफ़्तार करन आए हाँ। उन्हां तक नूं भाई साहिब भाई तारू सिंह जी घरे पहुँच गए। इतिहास कहिंदा है कि इत्थे उस उन्हां दी भैन नूं भी गिरफ़्तार करन दे हुक्म जारी होए सन, पर पिंड वालियां ने कहा कि यह कल्ले भाई तारू सिंह दी भैन नहीं, यह पूरे पुल्ले पिंड दी भैन है। ये माँ कल्ले भाई तारू सिंह की माँ नहीं, पूरे पुले पिंड की भैन माँ है, इस करके तुसी इन्हां नूं नहीं ले जा सकते। उन्होंने तो कहा कि तुसी भाई तारू सिंह जी ने कहा कि तुसी इन्हां नूं मार देवो, असी तुहानूं छुड़ा लेवांगे, पर भाई तारू सिंह जी ने कहा, सिखी सानू हर जन्म विच मिल सकती है, पर शहादत
सानू कई जन्मां दी कालना तो बाद मिलती है, इसलिए तुसी इन्हां नू मार के मैनू छड़ाओ ना। तुसी मैनू प्यार करदे हो? कहिंदे हाँ जी असीं तुहानू प्यार करदे हाँ। कहिंदे फिर मेरे जाण तो बाद तुसी घर घर लोहां ताओ, ये एक घर दा दरवाजा बंद करदे हन। तुसी घर घर प्रशादे वका के जंगलां विच बैठे उन्हां जुझारू सिंघां नू पहुंचाओ जिहड़े साडे लई साडे देश दी आजादी लई लड़ रहे हन। तां मैं समझांगा तुसी तारू सिंह नू प्यार करदे हो। इस कर इस तरह भाई साहब भाई तारू सिंह जी उत्थे चले गए। जकरिया खान ने भाई साहब भाई तारू सिंह जी ने बहुत कहा तुसी सिखी नू त्याग देवो, असी तुहानू दौलत शौहरत देवांगे। पर भाई साहब गुरु साहब जी दे भाणे विच अडोल सन, उन्होंने जकरिया खान की एक भी गल ना मनी। उन्होंने कहा मैं अपनी सिखी केसा सुआसा नाल निभावांगा। तां जकरिया खान ने कहा मैं तेरे केस जुत्ती थले मधोल देवांगा। तां भाई तारू सिंह जी नू बहुत गुस्सा आया। उन्होंने केसां दी इह गल सुन के कहा जे मेरे कलगीधर पिता दी रहम हुई बख्शिश हुई तां मैं तैनू इसे जुत्ती अगे ला के ले जावांगा। भाई तारू जकरिया खान नू बहुत गुस्सा आया, उसने भाई तारू सिंह जी दी केस कटाउण दा हुक्म जारी कर दित्ते गए। कहिंदे हन कि जदों भाई तारू सिंह जी दे केस कटण लई नाई लागे आंदे तां भाई तारू सिंह जी दे अखां चों इन्ना डर लगदा सी कि उन्हां दे हत्थां चों कैंचियां छुट जांदियां सन। फिर भाई तारू सिंह जी दी खोपड़ी उतार दित्ती गई। इतिहास इस गल दा गवाह है कि यह गल पूरी तरह सच होई। भाई साहब भाई तारू सिंह जी दा ओह कथन बिल्कुल सच होया। उन्हां दी खोपड़ी उतारन तों बाद जकरिया खान नूं पेशाब दा बन पै गया। उस नूं पश्चाताप होया कि यह भाई तारू सिंह जी का कथन बिल्कुल सच हो गया है, कि उन्होंने कहा सी कि वह मैनूं जुत्ती अगे ला के ले जाणगे, किते वह गल सच ना हो जाए। उन्होंने भाई सुबेग सिंह जी नूं कहा कि मैनूं माफ़ कर देवो, मेरे तो बहुत वड्डी गलती हो गई है, एक इन्ने सिंघां दी सेवा करन वाले एक नेक इंसान ते मैं अत्याचार कर दिता, मैनूं माफ़ कर देवो। तां इह गल पंथ कोल पुजी तां उन्होंने कहा कि उन्हां उत्ते भाई साहब भाई तारू सिंह जी की जुत्ती मारन करके उन्होंने कुछ सुकून मिलेगा, पर फिर भी उन्होंने मौत हो जाएगी। इस करके 21 दिन बाद जकरिया खान की मौत हो गई। तो उस तो अगले दिन ही 22 तरीक को भाई साहब भाई तारू सिंह जी भी शहीद हो गए, जो कि साड़ी सिख कौम लिए बहुत वड्डा शहीदी का दिन मनिया जाता है। भाई साहब भाई तारू सिंह जी पूरे 22 दिन जिंदा रहे बिना खोपरी तो, ਉਹ 22 ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ 21 ਦਿਨ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੇਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।